जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता माहेश्वरी और ये है मेरा तीज ब्लॉग। कल है हमारे बड़ी तीज, उसको कजली तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं। इस दिन करी जाती है नीमड़ी की पूजा और ये व्रत किया जाता है। पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है और घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। हाँ, मैं माहेश्वरी हूँ और राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे लिए फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है। इसको हमारे यहाँ तो कवारी लड़कियाँ भी करती है अपने भाई के लिए। इस दिन सत्तू बनाया जाता है और सत्तू पासा जाता है और नीमड़ी की पूजा करते हैं और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं और रात को सत्तू खा के ही व्रत को खोलते हैं। और आज मैं बना रही हूँ तीज ब्लॉग, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और आज सिंजारा है, सिंजारा के दिन लगाई जाती है मेहंदी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में अभी तक नहीं लगी है, क्योंकि मैंने सुबह सत्तू बनाया, उसको डेकोरेट किया और उसका वीडियो बनाया जो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और फिर मैंने खाना बना के सब बर्तन वर्तन सबके घर के काम निपटा के अब हो गए हैं 8 o'clock और मैं हुई हूँ अब जाके फ्री। तो कोरोना की वजह से मैं मेहंदी लगवाने बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे अपने हाथों पे खुद ही मेहंदी लगानी पड़ेगी। तो अब हम मिलते हैं मेहंदी लगाने के बाद। मैंने मेहंदी लगा ली है, देखिए पूरी दिख रही आई हो। ये मैंने उल्टे हाथ से लगाई है तो ओके बनी है। तो अब ये कैसी रस्ती है मैं कल दिखाती हूँ आपका इसका कलर, ठीक है, बाय बाय। दिखाई थी, अब मेरी मेहंदी रच चुकी है। मैं इतना लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैंने खाना वाना बना के पहले किचन के काम से फ्री हो गई। किचन का काम एक बार फ्री करके आराम से फिर तैयार हो, पूजा वूजा करो तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने पहले किचन का काम कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने बनाया है खाने में दाल बाटी गट्टे की सब्जी जीरा राइस। अब मैंने आपको जैसा कि कल कहा था कि मैं आपको सत्तू दिखाऊंगी मेरा जो मैंने डेकोरेट किया है, उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन मैं इसका लिंक दे दूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सत्तू। मैं आपको सत्तू क्या बता देती हूँ, उसको सत्तू और पिंडा भी कहते हैं। घर में जितने मेंबर होते हैं उनका सभी का पिंडा बनता है। हस्बैंड वाइफ का पिंडा एक ही होता है और बाकी सबका अलग अलग होता है। इसके अंदर मेरे घर में है मेरी दोनों बेटियाँ और पिंडा है हमारे कान्हा जी का, क्योंकि मेरी बेटियाँ कान्हा जी को राखी बांधती है तो कान्हा जी भी हमारे घर के मेंबर हैं, तो एक पिंडा है उनका। तो हम चारों के हम पांचों के ये पिंडे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे डेकोरेट किए हैं, आप बताइएगा कैसे हैं। ये है मेरा, ये है मेरा पिंडा, ये है कान्हा जी का पिंडा, ये चारों हैं मेरे बच्चों के पिंडे, ये अगेन कान्हा जी का और ये मेरा। और ये होती है नीमड़ी, इससे जब का पूजा करते हैं कहानी सुनते हैं तब वहाँ चढ़ाते हैं और उसमें पूजा करते हुए लेते भी हैं कहानी सुनते हैं हाथ में। और इसे कहते हैं सिग, इसे कहते हैं हाथ का लड्डू। ये जेंट्स के लिए होता है, ये उसको हाथ से तोड़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। रात को हम इसे पूजा करके हम सत्तू पासेंगे और उसमें आपको दिखाऊँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। आज मैं पहनने वाली हूँ ये लहंगा, लहंगा चुन्नी और इसके साथ है ये मेरी ज्वेलरी, ये है मेरी चूड़ियाँ, ये है मेरा सेट, ये मेरा मंगलसूत्र, ये मेरा सटका, ये मेरी रखड़ी और नथ। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार, प्लीज कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी शूट करेंगे पूजा की जगह, तो चलते हैं पूजा करने। नहीं अपने को तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब छत पे और मैं कर रही हूँ चांद का इंतज़ार, मगर यहाँ तो सिर्फ बादल ही बादल है, मुझे कहीं चांद नहीं दिख रहा है। 9 बजे का टाइम था और ये हो रहा है, अभी हो रहा है 10:40, तो मैं करती हूँ वेट। अब फ्रेंड्स हम सत्तू पासने वाले हैं, मैंने चांद को रख दे लिया है और हम सत्तू पासेंगे। उसके बाद मैं इन बड़ के पत्तों में सत्तू खाऊंगी
और इसमें दूध पियूंगी, क्या इनको तोड़ के फेंकते हैं, ऐसा हमारी कहानी में भी आता है, कच्चा दूध पीते हैं इसके अंदर। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। पर बसे और निकालना है तो दे।